आई हैव बीन टीचिंग फॉर द लास्ट 10 ईयर्स सिंस 2011 2011 से मैं पढ़ा रहा हूँ. अभी भी मैं टीचिंग प्रोफेशन से मुंसलिक हूँ. एज अ कोऑर्डिनेटर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा हूँ. लेकिन मैंने एक इदारा 2011 में पढ़ाना शुरू किया और 2013 में एक इदारा बनाने का सोचा जिसका नाम नॉलेज वर्ल्ड था. क्या था? सिर्फ नॉलेज वर्ल्ड. एंड आई स्टार्टेड माई लैंग्वेज इंस्टीट्यूट इन डिफरेंट प्लेसेस. होता है जब स्टार्ट करते हैं तो कहीं चलता है कहीं नहीं चलता, कहीं रेंट पे खाली करवा लिया जाता है, तो कभी आप यहाँ जाते हैं कभी वो एक आपका एक्सपीरियंस होता है जो कि आपको वन प्लेस टू अनदर प्लेस लेके जाता है. वो लाइफ चलती रही. मैंने स्टार्टअप लिया गुलिस्तान जौहर से. आई टॉच इन दी एक्सपर्ट्स 5 ईयर्स एक इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ाया और फिर अपना इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया नॉलेज वर्ल्ड के नाम से. फिर ऑन एंड ऑफ कभी गुलशन में रन किया, कभी फेडरल बे एरिया में, कभी जौहर में, मुख्तलिफ जगहों पर हमने इस लैंग्वेज सिस्टम को प्रोसीड किया. उसके बाद कोविड आ गया. कोविड की वजह से हमने उसे लास्ट टाइम जब हमने इसे क्लोज़ किया तो नॉर्थ कराची कैंपस, यानी हमने मुख्तलिफ जगहों पर इसको चलाया, गुलशन, नॉर्थ कराची, फेडरल बे एरिया एंड गुलिस्तान जौहर. कोविड आने के बाद, कोविड तो आ ही गया था, 2013 में इसका नाम सिर्फ नॉलेज वर्ल्ड था. मैं एक लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर था और लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर के साथ साथ मैंने तकरीबन 20-25,000 स्टूडेंट्स को पढ़ाया अल्हम्दुलिल्लाह. और 2013 में नॉलेज वर्ल्ड का कायम अमल में आया और उसको 2016 में हमने नॉलेज वर्ल्ड स्किल्स डेवलपमेंट सेंटर का नाम दिया, ठीक, KWSDC. बेसिकली KWSDC बनाने का मकसद क्या था कि मैंने बहुत सारे टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज किए थे, PGD इन इंग्लिश किया था और दीगर चीज़ें की थी, तो मैं चाहता था जो मैंने सीखा है ना वो मैं इम्पार्ट करूँ. तो मैं कामयाबी का राज एक बताना चाहूँगा आपको कि अगर आप अपनी लाइफ का या आप जो कुछ सीखते हैं उस पर 30% वॉलंटियर करना शुरू कर दें, सिर्फ कितना 30%, और 70% आप इन्वेस्ट करना शुरू कर दें अपने ऊपर, तो मैं समझ सकता हूँ नो वन कैन स्टॉप यू, आपको कोई नहीं रोक सकता. तो कुछ इस तरह मैंने किया कि मैंने 2016 में नॉलेज वर्ल्ड स्किल्स डेवलपमेंट सेंटर जब इसका नाम चेंज किया तो मैंने सोचा मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग्स दूंगा बच्चों को जाके, काउंसलिंग, टीचर्स ट्रेनिंग सेशंस, कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, इन मौजूदात पे मैंने, और मेरा टॉपिक है गेम्स एंड एक्टिविटीज़ इन द लैंग्वेज क्लासरूम जो कि मेरा सिग्नेचर इवेंट है जिसमें मैं वर्कशॉप्स करा चुका हूँ यहाँ पर. इंशाल्लाह कभी हम उसको ऑर्गेनाइज करेंगे यहाँ पर. ये सब करने के बाद 2016 में जब मैंने स्टार्ट लिया है एज अ ट्रेनर, यानी लैंग्वेज तो पढ़ा रहा, तो बताने का मकसद आप लोगों को यह है कि आप लोग माशाल्लाह लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के साथ साथ ट्रेनिंग में भी आ सकते हैं, तो वहाँ आपको शायद कुरेशी इंशाल्लाह बहुत हेल्प आउट करेंगे. इंशाल्लाह आप जब मेरा काम देखेंगे मेरे पेज पे तो यू विल गेट टू नो दैट कितना काम किया है हमने. हमारे महीने में तकरीबन 7 या 8 इवेंट्स होते हैं जो कि मैं ऑर्गेनाइज करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है. तो 2016 में जब मैंने स्टार्ट किया एज ए ट्रेनर, या लैंग्वेज को मैंने बाय बाय किया और ट्रेनिंग में मैंने स्टार्टअप लिया, तो सिर्फ मैंने पूरे साल में 7 सेशंस किए. कितने सेशंस किए? 7. इट वाज ओनली 7. बड़ी मुश्किलों से मिलते थे, कहीं जाते थे बात करने के लिए, भाई सेशन दे दो हमें, आपके टीचर्स को ट्रेन करना है, आपके बच्चों को ट्रेन करना है, यार आप क्या करोगे, आप तो इतने छोटे से हो. सो मेनी क्वेश्चंस कम्स, ठीक है, बहुत सारे सवाल आते हैं. 2017 में मैंने टोटल 8, यानी एक नंबर बढ़ गया. तो कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस. याद रखिएगा मुस्तकिल मिजाजी जो होती है ना वो कामयाबी है, ठीक है. तो 8 हो गए. 8 के बाद 2018 आ गया. 2018 में मैंने 22 बढ़ गए. अब ये टोटल होते हैं 37. 2016 में अच्छा चेंजिंग, बेसिकली ये सेमिनार कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को चेंज करेगा. इट विल चेंज योर माइंड, ठीक है. इट विल नॉट वेस्ट योर टाइम, ठीक है. यू आर इन्वेस्टिंग ऑन योर सेल्फ. अपने आप पर क्या कर रहे हैं, इसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है. एंड इन्वेस्टमेंट जो है ना वो रिटर्न होती है, बट इट डज नॉट मीन दैट के सेम टाइम इन्वेस्टमेंट रिटर्न हो जाएगी. समटाइम्स 3 या 4-5 साल बाद इन्वेस्टमेंट रिटर्न हो रही होती है, ठीक है. तो 2016 7, 17 8, 18 2018 में कितने किए मैंने? 22. ये टोटल कितने बनते हैं, ज़रा किसकी मैथ अच्छी है? 37. सारे इंग्लिश के टीचर्स हैं, मैथ सबकी कमज़ोर होगी, हैं ऐसे ही है. अच्छा इंग्लिश टीचर्स की मैथ कमज़ोर होती है, डू यू एग्री? ऐसा है, मेरी भी बहुत कमज़ोर है, शायद आप लोगों की अच्छी हो. अच्छी है आपकी सरनस? अच्छी है आपकी मैथ्स? एवरेज एवरेज. अच्छा कितने लोगों की एवरेज है? एक्सेलेंट है माशाल्लाह भाई. एक्सेलेंट वालों के लिए तालियां बजाएं भाई ज़रा. वेरी गुड. चलें तो ये कुछ जर्नी का स्टार्ट हुआ. 2016 में मैं स्पेल्ट कॉन्फ्रेंस मुझे स्कूल वालों ने भेजा करने के लिए अटेंड, जिसकी फ़ीस 2000 रुपये थी.
और मैं अटेंड करने चला गया। दैट वॉज माई चेंजिंग लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस जो कि जिसने मेरी लाइफ को चेंज किया। इस सेमिनार का भी मकसद कुछ ऐसे ही है कि हम चाहते हैं कि एक लैंग्वेज कम्युनिटी बनाई जाए ताकि लैंग्वेज टीचर्स एक दूसरे को जानें और अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हों और आप अपनी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर सकें, अपनी वीकनेसेस को कम कर सकें और थ्रेट्स ऑटोमेटिक कम होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जहाँ कनेक्टिविटी बनेगी वहाँ आप लोगों को फिर चांसेस भी मिलना शुरू हो जाएंगे। अगर किसी मिसाल के तौर पे कोई जॉब मेरे पास आएगी तो आप मेरे कनेक्शन में होंगे तो मैं आपको बताऊंगा ना, अगर आप मेरे कनेक्शन में नहीं है, यू आर नॉट इन माय कनेक्शन, सो हाउ विल इट बी पॉसिबल टू लेट यू नो अबाउट द जॉब? पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका प्योरली मकसद है, ठीक है। 37 की जर्नी है। अब 37 जर्नी के बाद 2016 का वो स्पेल्ड कॉन्फ्रेंस है जिसको मैंने अटेंड किया। देखें, कहीं से आप सीखें उसका नाम ज़रूर लें। मैं कहूँ कि मैं ही कुछ टाइम समथिंग, नो, आप कहीं ना कहीं जाते हैं, कोई आपका मेंटोर होता है जिसे आप फॉलो करते हैं, जिससे आप सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो स्पेल्ड मैं समझता हूँ वो सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान इंग्लिश लैंग्वेज टीचर, वो इदारा था जिसने मुझे, जब मैं वहाँ गया तो मुझे रियलाइज़ हुआ, हम ये समझते हैं जो कि बहुत गलत समझते हैं कि आई एम समथिंग। मेरी बात को गौर से सुनिएगा कि हम बहुत कुछ हैं जबकि हम कुछ भी नहीं हैं। वी ऑल आर इम्परफेक्ट, अल्लाह सुबहाना व तआला इज़ परफेक्ट। हम तमाम लोग ना क्या है, परफेक्ट नहीं है, हम इम्परफेक्ट हैं। हमें टिल द डेथ यानी मरते दम तक हमें सीखना है, इन्वेस्टमेंट करनी है, अपने ऊपर लगाना है, कुछ ना कुछ सीखना है और आगे जाना है। तो ये बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही है। अब क्या हुआ कि जब मैं जो आपको बात बता रहा था कि परफेक्ट कौन है, अल्लाह सुबहान व तआला, और हम लोग क्या हैं, इम्परफेक्ट, वी नीड टू वर्क ऑन इट। हमें अपने ऊपर क्या करना है, काम करना है, हमें सीखते रहना है, हमें आगे जाना है, हमें पीछे नहीं जाना। तो 2016 की जो स्पेल कॉन्फ्रेंस थी, जब मैंने वहाँ अटेंड की, वहाँ ट्रेनर से मुलाकात की, अब्बा हुसैन और दीगर ट्रेनर्स वहाँ मौजूद थे, तो एक इंस्पायरिंग होता है कि इंसान अपने आप को ये समझता है कि मुझे बहुत कुछ आता है, लेकिन जब दूसरों को देखता है कि हाँ भाई मल्टीमीडिया पे वर्कशॉप्स हो रही हैं, रूम्स में डिफरेंट ट्रेनर्स हैं, डिफरेंट टॉपिक्स पे काम हो रहा है, अच्छा ये भी है, अच्छा ये भी चीज़ है, ये तो हमें आती नहीं थी, तो उस वक्त रियलाइज़ होता है कि हमें कुछ नहीं आता, हमें सीखते रहना है और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को क्या करना है, अवेल करना है। तो वो अपॉर्चुनिटी अवेल की, तो मैंने उसी दिन प्लान कर लिया कि स्पेल्ड में मैं ट्रेनिंग कंडक्ट करूँगा। तो याद रखिएगा, कंफर्ट जोन में नहीं रहना बट के चैलेंजिंग जोन में रहना है। कंफर्ट जोन में नहीं रहें बल्कि अपने आप को चैलेंजिंग जोन से मैं लेकर आएँ और अपने आप को उस कंफर्ट जोन से बाहर निकालने की कोशिश करें और कुछ मेहनत करें। और मेहनत को बहुत अच्छे अच्छे से डिफाइन किया जा सकता है। जो नून ऊपर है ना उसको नीचे लेकर आएँ, क्या बनता है, मोहब्बत। तो किससे मोहब्बत करनी है, अपने आप से, और मेहनत से मोहब्बत करनी है। तो जब आप अपने आप से मोहब्बत करना शुरू करेंगे तो काम आपसे मोहब्बत करना शुरू कर देगा और आपकी जेब ऑटोमेटिक भरना शुरू हो जाएगी नोटों से, ठीक है। अच्छा, अब मैं सवाल आपके लूंगा, बिल्कुल ये मेरी स्टोरी सुन लें। बेसिकली मैं पूरी एक थीम, हाँ मैं फिर डिस्कनेक्ट हो जाऊंगा एक्चुअली। तो 2016 का वो इवेंट अटेंड करने के बाद 2018 जब आया और 37 सेशंस से 2017 में मैंने वहाँ अपना एब्स्ट्रैक्ट भेजा, 17 में भेज दिया, 16 अटेंड किया, 17 में एब्स्ट्रैक्ट सेंड कर दिया और उन्होंने क्या कर दिया, रिफ्यूज़। कोई मसला नहीं है, याद रखिएगा, रिजेक्शन कम्स इन द वे ऑफ सक्सेस। सक्सेस इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन, कोई सक्सेस स्ट्रेट लाइन नहीं है, इट्स अ स्टम्बलिंग ब्लॉक्स दैट यू विल पार करेंगे इससे आप और आप कामयाब हो जाएंगे। तो वो कोई ऐसा नहीं है कि आप चलेंगे और सक्सेस मिल जाएगी, परेशानियाँ भी आएंगी, लोग हंसेंगे भी, लोग मजाक भी उड़ाएंगे, तो लेट देम लाफ, उनको हंसने दें आप और आप आगे जाएं। हैं, अंगड़ियाँ भी देंगे, बहुत सारी जो है ना चीज़ें करेंगे। तो करना ये है कि आप लोगों ने आगे जाना है सक्सेस को हासिल करने के लिए, छोटी छोटी सक्सेस पे जो है ना आपने अपने आप को खुद अप्रिशिएट करना है। नो वन इज़ गोइंग टू अप्रिशिएट यू, कोई आपको अप्रिशिएट नहीं करेगा। अगर आप कोई एक बहुत आजकल चल रहा है फेसबुक पे, अगर आप कोई कार्टून्स की पिक्चर लगाते हैं तो लोग बहुत कमेंट्स करते हैं, आप कोई अपनी सक्सेस लगाते हैं तो लोग कमेंट ही करना छोड़ देते हैं, जेलिसीज वहाँ शुरू होना शुरू हो जाती है, बहुत कम लोग आप लोगों को अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। तो 2017 में रिजेक्शन मिला, लेकिन 2018 में एब्सेप्ट क्या हो गया, एक्सेप्ट। और CBM में मेरा सेशन था गेम्स एंड एक्टिविटीज़ इन द लैंग्वेज क्लासरूम, जो कि मेरा सिग्नेचर इवेंट है। अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 200 गेम्स, वोकैबुलरी, ग्रामर,
हर उस पर मेरे पास गेम्स अवेलेबल हैं। हमने अपने कुछ गेम्स क्रिएट भी कर लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उसको हम इंशाल्लाह पब्लिक भी करेंगे। तो बताने का मकसद ये है कि वो जब मैं वहाँ गया हूँ और सेशन मैंने किया, द रूम वॉज फुल, रूम क्या था, फुल, एंड पीपल वर वेटिंग फॉर मी, दैट वेट कर रहे थे कि कोई निकले तो हमें बैठने का मौका मिले। और सेशन में 50 लोग थे, 8 लोगों ने पूरा सेशन खड़े होकर अटेंड किया। और स्पेल्ड में क्या होता है, स्पेल्ड में आपको पता है कि जहाँ टॉपिक बोरिंग होता है या ट्रेनर बिल्कुल लाइट होता है, लोग कोई टाइम नहीं लगाते, 2 मिनट लगाते हैं रूम छोड़ने के अंदर, रूम छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन लोगों ने रूम नहीं छोड़ा। तो 2000 वो मेरा टर्निंग पॉइंट था जब मेरे स्पेल्ड के प्रोस्पेक्टस में मेरा नाम आया और मैंने काम कंसिस्टेंसी के साथ जारी रखा। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, किसी भी काम को आपने अचीव करना है तो उसमें 3 साल कम अज़ कम लगाएं। कितने साल? 3 साल। 3 साल से पहले हिम्मत नहीं हारनी, स्ट्रेटजीज चेंज करें, बट आपने कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है। 2019 आया, मैंने इकरा यूनिवर्सिटी में मेरा एब्स्ट्रैक्ट दोबारा एक्सेप्ट हुआ, उन्होंने मुझे उससे बड़ा रूम दिया, उन्होंने कहा ऑडियंस आपके पास ज़्यादा है, तो 100 पार्टिसिपेंट्स मेरे रूम में मौजूद थे और बराबर में अब्बास हुसैन साहब थे, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और दूसरे रूम्स में 6-7-5 ट्रेनर्स थे, सिर्फ टीचर्स थे जो कि अटेंड कर रहे थे वर्कशॉप, बल्कि मेरा रूम फुल था माशाल्लाह से। तो बताने का मकसद ये है कि आपकी जो मेहनत होती है वो आपके काम आती है। 2019 में जब 2018 में स्पेल्ड में आने के बाद एक प्रोमिनेंट, एक अच्छा चार्म मिला, तो 2019 में सेशंस किए 125, और फिर 2020 में कोविड आ गया तो हमने बोला काम छोड़ेंगे नहीं, ऑनलाइन किए 107, और फिर जैसे ही कोविड ख़त्म हुआ और कोविड चल भी रहा था तो हम काम कर रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह KWSGC अब तक 450 फिजिकल और ऑनलाइन सेशंस कंप्लीट कर चुका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, बताने का मकसद ये है कि आप लोग मेहनत करें, आपको कोई नहीं रोक सकता, नो वन कैन स्टॉप यू। और वन थिंग मोर आई वुड लाइक टू टेल यू दैट कि अगर आप लोग टीचिंग लाइक लैंग्वेज टीचिंग तो कर रहे हैं, लेकिन आप इसकी ट्रेनिंग पे भी आ सकते हैं कि वोकैबुलरी को कैसे पढ़ाया जा सकता है, ग्रामर को कैसे पढ़ाया जा सकता है, लिसनिंग स्किल को कैसे, इसकी वर्कशॉप्स आप कंपाइल कर सकते हैं, इसकी वर्कशॉप्स आप करवा सकते हैं। तो वहाँ इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू मेक इट पॉसिबल टू हेल्प यू आउट, मैं उसमें आपको मदद करूँगा। और इंशाल्लाह कि मैं, मेरा मकसद ये है कि आप लोग अगर टीचर हैं तो टीचर ना रहें, आप ट्रेनिंग की साइड पर आएँ, अब आगे दुनिया ट्रेनिंग की है, ठीक है। उसमें जो पैसा आप पूरे महीने की सैलरी में कमाते हैं, शायद ऐसा हो कि जब आप अपना नाम बना लेंगे तो आप 3 घंटे के सेशन में वो पैसे कमाएंगे जो आप पूरे महीने 9 to 5 या सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक की जॉब में कमाते हैं, वो पैसे आप 3 घंटे के सेशन में कमा के निकल जाएंगे। लेकिन वही बात है कि पोटेंशियल आपके अंदर होगा, आप मेहनत करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट सेशंस करेंगे, अपना नाम मार्केट में बनाएंगे तो ही पॉसिबल है। आप चाहें पहले दूसरे सेशन में पैसे आने लग जाएं तो ऐसा मुमकिन नहीं है, ठीक है। हम फ्री काम भी करते हैं, पेड सेशंस भी करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने मेहनत की। तो बताने का मकसद ये है कि आप लोग भी इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं, और उसमें मेरा कोऑपरेशन आप लोगों के साथ होगा। आज इस इवेंट का मकसद यही था कि हम टीचर्स आपस में मिलें और एक दूसरे को जानें, और ताकि हम मज़ीद चीज़ों को बेहतर से बेहतर कर सकें। सीज़न 2 जो है वो 20 तारीख को है, अगर आप लोग अटेंड करना चाहें, आपके फ्रेंड्स अटेंड करना चाहें तो वो अटेंड कर सकते हैं। आज बेसिकली सदर वाला रोड, CM हाउस वाला रोड बंद है, तो लोग जो है काफ़ी वहाँ से नहीं आ सके जिन्हें आना था। यहाँ तक चीज़ें, आपका कोई सवाल हो तो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। एनीवन ऑफ यू वुड लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन? गेम वाला सेशन इंशाल्लाह इधर ही करेंगे। हमने स्पेल इधर किया था, शरीफ एसएल पे भी किया था, नॉर्थ नाजमाबाद में भी किया था, तो फुल माशाल्लाह जैम पैक था। इंशाल्लाह उसको हम अनाउंस करेंगे मिनिमम फीस के साथ, और मुख्तलिफ चीज़ें TYT हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर, TYT अभी हमें गुलशन में भी स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रेन द यंग ट्रेनर, मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ स्टार्ट होंगी इंशाल्लाह। और आप लोग भी अगर ऑन बोर्ड होना चाहें तो हमारे साथ बिल्कुल ऑन बोर्ड हो सकते हैं, हम उसमें आपको इंशाल्लाह बिल्कुल कोऑपरेट करेंगे। आज की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी जो है वो बताना चाहूँगा, रज़ा डिजिटल मेरे पीछे मौजूद हैं, रज़ा का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने स्पॉन्सर्ड की है, इनके लिए क्लैपिंग कर दें। क्योंकि देखें, इस इवेंट से हरगिज़ कोई मकसद पैसे कमाना नहीं है, कोई 100 रुपये हमने सर्टिफिकेट की मद में, जो वो भी हम ये कह रहे हैं कि जिसको लेना है वो ले, जिसको नहीं लेना वो ना ले, ठीक है। क्योंकि लोगों को ये ना लगे कि सर्टिफिकेट की मद में हम 100 रुपये लेके बहुत अमीर हो जाएंगे, तो ये हमें सिर्फ वो सर्टिफिकेट की कॉस्ट ही आपसे ली जा रही है। 4 लोगों ने पेमेंट किए, उनके सर्टिफिकेट्स लास्ट में दे दिए जाएंगे, जो बाद में लेना चाहे वो रिसेप्शन से हासिल कर सकता है, ठीक है। उस पर टिसॉल कैनेडा का लोगो मौजूद है, तो एक समझ लें आपका पोर्टफोलियो हो जाएगा,
ठीक है, नॉलेज वर्ल्ड का लोगो मौजूद है, यूरेका का लोगो मौजूद है उसके अंदर।